अकेली गाड़ी है भाई कंपटीशन में जो कि सीएनजी ऑफर करती है 7 सीटर में, और कोई भी कंपटीशन में 7 सीटर कार ऐसी है नहीं जो कि सीएनजी ऑफर करती हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली VXI वेरिएंट जो आप सामने देख रहे हैं, जो कि इसका सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है, क्योंकि ये सीएनजी भी ऑफर करता है। पेट्रोल के अंदर 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है, मतलब हैरान रह गया मैं। और बात करें सीएनजी की, जो कि भाई थोड़ी सी और भी ज़्यादा आपकी रनिंग कॉस्ट को कम कर देती है, तो उसकी माइलेज है 26 किलोमीटर पर किलोग्राम ऑफ सीएनजी। तो जबरदस्त माइलेज के साथ ही आती है, 7 सीटर कार है। और इस गाड़ी के अंदर मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, जो 1500 सीसी का आता है इसमें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि LXi और VXi में क्या डिफरेंस है। LXi में आपको ये वाला AC की जो यूनिट है बीच के अंदर दी गई है, ये यहाँ पे भी कवर करता है और पीछे की तरफ से भी कवर करता है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, ये LXi यानी कि बेस वेरिएंट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, VXi से ऊपर यानी कि VXi और VXi ऑनवर्ड्स आपको ZXi, ZXi प्लस में आपको सब देखने के लिए मिल जाएगा। एक चीज और भाई जो मैं यहीं से कवर करके बता दूं आपको, सेकंड रो जो है ये भाई 60-40 की स्प्लिट में आती है, और जो थर्ड रो है वो 50-50 के स्प्लिट सीट्स में आती है। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग MPV ऑफ इंडियन कार मार्केट, मारुति सुजुकी अर्टिगा। अब भाई इसकी पॉपुलैरिटी के कुछ एक रीज़न भी है, क्योंकि ये 7 सीटर कार जिस प्राइस रेंज के अंदर आती है, अभी 2022 के फेस लिफ्टेड वेरियंट की बात करूँ तो 8,35,000 से ये स्टार्ट हो जाती है, और 12 लाख समथिंग का ये इसका एक टॉप मॉडल आता है एक्सोरूम कीमत के हिसाब से। और ये अकेली गाड़ी है भाई कंपटीशन में जो कि सीएनजी ऑफर करती है 7 सीटर में, और कोई भी कंपटीशन में 7 सीटर कार ऐसी है नहीं जो कि सीएनजी ऑफर करती हो। तो इस गाड़ी के बारे में भाई डिटेल में बात करेंगे, कैसी नई नई लुक्स इसके अंदर आई है, और इंजन के अंदर क्या कुछ नए चेंज किए गए हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, माइलेज, स्पेस, ड्राइविंग कंफर्ट, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली VXi वेरिएंट जो आप सामने देख रहे हैं, जो कि इसका सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है, क्योंकि ये सीएनजी भी ऑफर करता है। तो भाई वीडियो में बने रहो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट, इंजन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही भाई इसकी सबसे मेन हाईलाइट है। तो अपडेटेड अर्टिगा के अंदर नया जो पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर वाला, ये ड्यूअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ आया, यानी कि पर सिलेंडर 2 इंजेक्टर्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। पावर थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन माइलेज इसकी बहुत इंप्रूव हो गई है भाई। पेट्रोल के अंदर अर्टिगा भाई 7 सीटर, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है ये, पेट्रोल के अंदर 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है, मतलब हैरान रह गया मैं। और बात करें सीएनजी की, जो कि भाई थोड़ी सी और भी ज़्यादा आपकी रनिंग कॉस्ट को कम कर देती है, तो उसकी माइलेज है 26 किलोमीटर पर किलोग्राम ऑफ सीएनजी। तो जबरदस्त माइलेज के साथ ही आती है, 7 सीटर कार है। और इस गाड़ी के अंदर मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, जो 1500 सीसी का आता है। इसमें 103 BHP की पावर है और 136 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। ऑफकोर्स जब आप इसको सीएनजी में चलाएंगे तो पावर एंड टॉर्क फिगर्स थोड़े से कम हो जाएंगे। पावर इसकी 103 BHP से 88 BHP पे आ जाती है, और जब आप टॉर्क की बात करेंगे तो 121 Nm पे आ जाता है। तो टोटल 4 वेरिएंट्स आपको अर्टिगा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बेस मॉडल LXi से स्टार्ट होता है, देन VXi, ZXi एंड ZXi प्लस, और भाई सीएनजी आपको VXi और ZXi दो ट्रिम्स में देखने के लिए मिलेगी। पहले तो ये VXi में आती थी, लेकिन टाटा ने जो इनिशिएटिव लिया है टॉप मॉडल्स में सीएनजी देने लगे हैं, तो मारुति ने भी उसकी देखम देखी टॉप मॉडल यानी कि ZXi में सीएनजी देने का फैसला कर लिया है। और अगर स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ABS, ड्यूअल एयरबैग, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाते हैं। और टॉप मॉडल की बात करें तो आपको 4 एयरबैग देखने के लिए मिलेंगे, और ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड हिल होल्ड जैसे फीचर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। प्राइसिंग की बात करें तो भाई LXi यानी कि बेस वेरिएंट 8,35,000 एक्सोरूम कीमत से स्टार्ट होता है, और ये जो सामने VXi वेरिएंट आप देख रहे हैं जिसके फीचर्स को हम अभी अभी एक्सप्लोर करेंगे, तो ये आता है भाई 9,49,000 रुपये में एक्सोरूम कीमत के हिसाब से, ये पेट्रोल की बता रहा हूँ मैं। और अगर आप VXi के अंदर CNG देखना चाहते हैं तो इसमें 94,000 और ऐड कर दीजिए, 10,44,000 रुपये एक्सोरूम कीमत इसकी हो जाती है। इसके ऊपर आता है ZXi जो कि टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है, जो कि 10,60,000 रुपये से स्टार्ट होता है एक्सोरूम की बात करें पेट्रोल की। अब ZXi के अंदर अगर आप CNG चाहते हैं तो ZXi CNG की एक्सोरूम कीमत है 11,54,000 रुपये। और लास्ट में आता आपका सबसे टॉप मॉडल ZXi प्लस, ZXi प्लस की एक्सोरूम कीमत आती है 11,29,000 रुपये, और अब ये ऑटोमेटिक के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ऑटोमेटिक में ZXi प्लस की कीमत है 12,80,000 रुपये एक्सोरूम। अब तो भाई अर्टिगा के अंदर बढ़िया वाला ऑटोमेटिक आ चुका है, जो कि 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। पहले भाई 4-स्पीड में आता था ये, अब 6-स्पीड में आता, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अब इस गाड़ी के अंदर आपको
पैडल शिफ्टर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी है ये अभी तक की जो कि पैडल शिफ्टर्स ऑफर करती है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हालांकि सीएनजी आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर देखने के लिए मिलेगी, सीएनजी अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक में तो उसका ऑप्शन अभी नहीं है। Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. तो अभी एक्सप्लोर करते हैं भाई आपको VXI वेरिएंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये होगी इसकी हेडलैम्प, इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, हालांकि ये हेलोजन बेस्ड ही है, LED नहीं है। यहाँ पे आपको आ गया हाई बीम के लिए बल्ब है अपना, ये क्रोम की स्लैट्स है जो कि चौड़ी चौड़ी सी आ गई है, इसी से पता चलता है कि ये 2022 वाली अपडेटेड अर्टिगा है, ठीक है। VXI वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे फोग लाइट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती। फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पे ये ग्रिल ही चेंज मिलेगी और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं मिलेगा। साइड से देखते हैं कि साइड से क्या कुछ दिखता है आपको। तो आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, बॉडी कलर ORVM मिल जाएंगे और इसी के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। और साइड से बात करें इसके टायर की, तो भाई टायर का साइज मैं आपको बता देता हूँ, 185/65R16 यानी कि 16 इंच का इसका साइज है। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सारे इसके ब्लैक आउट है, इसलिए इसके अंदर फ्लोटिंग रूफ वाली लुक आती है। ये वाला जो क्रोम आप देख पा रहे हैं ये एक्सेसरी का पार्ट है भाई, स्टॉक VXI में ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब चलते हैं भाई पीछे की तरफ और इसके अंदर जो चेंज देखने को मिलेगा, ये वाला जो पार्ट है ना स्पॉइलर, ये थोड़ा सा नया एडिशन किया है इसके अंदर। इसके अलावा आपको VXI वेरिएंट में अर्टिगा में क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो भाई इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको ना तो वाइपर मिलता है, ना ही आपको यहाँ पे डीफोगर मिलता है। और नीचे की तरफ चलें तो जैसे मैंने आपको दिखाया 1, 2, 3, 4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। कैमरा आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं है इसके अंदर टच स्क्रीन वाला, वो मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको अर्टिगा की बैजिंग मिल जाएगी, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि इसकी माइलेज को इंप्रूव करने में हेल्प करता है भाई। 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज तो ये पेट्रोल में क्लेम कर रहे हैं, क्या बात है। और CNG के अंदर तो भाई ये 30 किलोमीटर तक भी निकाल देगी, हालांकि कंपनी 26-27 तक की क्लेम करेगी, लेकिन भाई जो बंदा 20 की पेट्रोल में निकाल रहा हो वो बंदा CNG के अंदर भाई 30 की माइलेज आराम से निकाल सकता है पर किलोग्राम CNG के हिसाब से। तो ये हो गया भाई इसका बाहर से जो भी तामझाम है सारा, बॉडी कलर्ड ORVM, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, रियर में आपको टेल लाइट्स, बाहर से ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं। इस तरीके की मिलती है जो कि सेंट्रल लॉकिंग के साथ आती है। लो जी ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो बोतल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है। साथ में यहाँ पे सॉफ्ट टच वगैरह आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, चारों पावर विंडो मिल जाती है। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन है, ऑटो अप भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप लॉक एंड अनलॉक कर पाएंगे गाड़ी को, यहाँ पे मिरर लॉक है और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे ORVM को, साथ में फोल्ड भी कर पाएंगे। इस तरीके से एडजस्ट करने का अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट भी कर पाएंगे। स्टेयरिंग के अंदर आपको मोड्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं स्टेयरिंग माउंटिंग बटन्स के साथ, यहाँ पे आप फोन को काट सकते हैं, उठा सकते हैं, ब्लूटूथ मिल जाता है, ओक्स मिल जाती है और USB का आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। ये टच स्क्रीन नहीं है, ये छोटी सी ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ से आप टच बटन देख पाएंगे, देखने में लगेगी हाँ भाई बहुत ही प्रीमियम सी और बड़ी सी स्क्रीन है, लेकिन ऐसा है नहीं, स्क्रीन इतनी सी है, बाकी ये अपना टच वाला दे रखा मामला, ठीक है। अब भाई इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करते हो, लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर यानी कि RPM मीटर देखने के लिए मिलता है और राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पे आपको 220 तक की स्पीड है, हालांकि CNG वाले वेरिएंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे CNG का भी अलग से फ्यूल गेज देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये पेट्रोल वाली है इसलिए आपको पेट्रोल वाला ही दिखा रखा है। यहाँ पे बीच के अंदर आपको MID देखने के लिए मिलता है और ना ही सुंदर सी लग रही है, ब्लू से कलर के एक्सेंट्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे जो कि देखने में थोड़ी सी प्रीमियम सी लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई थोड़ी सी साइड की तरफ की, डैशबोर्ड कैसा दिखता है। डैशबोर्ड आपको ड्यूअल टोन मिलता है भाई, ये बेज कलर है और यहाँ पे कुछ ग्रे सी फिनिश दे रखी है जो कि देखने में ठीक ठाक लगती है। और सबसे अच्छी चीज अर्टिगा के अंदर ये जो स्लैट्स है ना AC के साथ मिलाए गए हैं, ऐसा लगता है कि ना मतलब पूरा लेआउट सा बना दिया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आ जाए तो यहाँ पे हजार्ड लैंप आपको देखने के लिए मिलेगा और ये मैनुअल वाली AC है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। नीचे की बात करते हैं तो भाई 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB वाला पावर मिल जाता है और यहीं पे आपको ओक्स का कनेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं तो। और यहाँ पे थोड़ा फ़ोन वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है भाई अगर आप फ़ोन रखना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जर तो नहीं मिलेगा, ये अजय कहते हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे दो कप होल्डर मिलते हैं भाई और अच्छी चीज़ है अगर आप
कोक वगैरह एंजॉय करना चाहे वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी एयर को भी कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे आपकी जो भी बेवरेजेज है वो चिल्ड रहेंगे, ठंडे रहेंगे। ये है भाई इसका गियर नो, 1500 सीसी का इंजन है और इन्होंने 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर दिया हुआ है। हालांकि इसके अंदर आपको यानी कि VXI वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक भी मिलेगा भाई, जो कि 6 स्पीड आ गया है, पहले 4 स्पीड आता था तो ऑटोमेटिक इसका काफी अभी इंप्रूव हो चुका है। तो ये है भाई इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स, जिसके अंदर ग्लोसी फिनिश आती है क्रोम की सराउंडिंग से, जो कि देखने में अच्छा लगता है। हैंड ब्रेक के ऊपर यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग है, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। आर्मरेस्ट होता तो एक अच्छी चीज़ हो सकती थी, 9.5 लाख रुपए के एक्सशोरूम के प्राइस पे आती है तो आर्मरेस्ट तो बनता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन। ये ड्राइवर साइड आपको सनवाइजर मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, को पैसेंजर साइड आपको मिरर भी मिल जाता है, और एयरबैग की बैजिंग है यहाँ पे, एक दो दो एयरबैग देखने के मिल, SRS यहाँ पे आप देख पाएंगे, और एक आपको यहाँ पे मिलता है, दो एयरबैग हो गए, EBD ABS वगैरह इसके अंदर मिलता ही है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में ही मिलेगा, मैनुअल वाले में नहीं मिलेगा VXI वेरियंट में, ठीक है जी। ये हो गया आपका आगे का कवर सारा, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि LXI और VXI में क्या डिफरेंस है। LXI में आपको ये वाला AC की जो यूनिट है बीच के अंदर दी गई है, ये यहाँ पे भी कवर करता है और पीछे की तरफ से भी कवर करता है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं। ये LXI यानी कि बेस वेरिएंट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, VXI से ऊपर यानी कि VXI और VXI ऑनवर्ड्स आपको ZXI प्लस में आपको सब देखने के लिए मिल जाएगा। एक चीज और भाई जो मैं यहीं से कवर करके बता दूं आपको, सेकंड रो जो है ये भाई 60-40 की स्प्लिट में आती है, और जो थर्ड रो है वो 50-50 के स्प्लिट सीट्स में आती है, ठीक है। अभी मैं आपको पीछे बैठ करके दिखा देता हूँ। और एक चीज़ जो रह गई भाई, यहाँ पे भी आपको छोटा सा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, कार्ड वगैरह या पर्स वगैरह जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अभी चलते हैं सेकंड रो के अंदर, ठीक है, कि सेकंड रो में आपको कैसा स्पेस और क्या क्या फीचर्स VXI वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई ये आ गया, मैं सबसे पहले स्पेस बता दूँ, यहाँ पे इतना मेरे को स्पेस मिल रहा है, और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी ठीक ठाक है। और VXI वेरिएंट के बीच वाली सीट यानी कि सेकंड रो में आपको क्या कुछ देखने को मिलता, तो भाई ये जैसे मैंने आपको दिखाया, ये AC के वेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि कैबिन को कूल करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। एक दो तीन, तीन स्पीड का आपको यहाँ पे फैन देखने के लिए मिल जाता है। ये भाई सीट्स आप ये मत समझना कि आपको स्टॉक मिलेंगे, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एसेसरी, ये जो सीट कवर लगे हुए हैं। और नीचे की तरफ चलते हैं भाई, जहाँ पे आर्मरेस्ट की प्लेसिंग होती है, यहाँ पे आर्मरेस्ट तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक 12 वोल्ट का यानी कि 120 वोल्ट का सॉकेट जरूर मिल जाएगा, और स्पेस वगैरह ठीक है इसके अंदर। अब चलते हैं थर्ड रो के अंदर, सेकंड रो के डोर में भी आपको बोतल होल्डर और मैप पॉकेट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। ये VXI वेरिएंट, तो भाई म्यूजिक सिस्टम के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो इसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, हालांकि इससे ऊपर वाले वेरिएंट में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे 4 स्पीकर्स के साथ ट्विटर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन इस VXI वेरिएंट में आपको ट्विटर्स देखने के लिए नहीं मिलते, सिर्फ 4 स्पीकर्स ही है और चारों डोर्स के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई अब देखते हैं इसके थर्ड रो में, हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी डोर के अंदर आपको सॉफ्ट टच का कोई भी मटेरियल देखने के लिए नहीं मिलेगा, हालांकि ये क्रोम डोर हैंडल्स और ये थोड़ा सा स्पेस वगैरह मिल जाता है, बोतल होल्डर मिल जाते हैं। अब चलते हैं भाई थर्ड रो के अंदर, थर्ड रो में जाने के लिए ये आपको लीवर दिया गया है, इसको जैसे ही आप करेंगे ये आगे भी हो जाती है और फोल्ड भी हो जाती है, तो इतनी आगे हो जाती है ये, और मैं आपको बताता हूँ कि चढ़ते हुए कोई दिक्कत होती है या नहीं, तो इस तरीके से आप चढ़ पाएंगे इसके अंदर। ये वाली मैंने ज़्यादा रिक्लाइन कर दी है लुकिंग एट द कम्फर्ट ऑन ऑफर, और अब इसको पीछे करते हैं भाई, तो इस तरीके से भाई अगर आप कंफर्टेबली बैठना चाहते हैं तो थोड़ा सा ना सीट को आगे की तरफ पुश कर सकते हैं, और जैसे मैंने इसको पुश कर रखा है, यहाँ पे बैठ के दिखाता हूँ आपको। वाह यार, यहाँ पे तो थर्ड रो में भी अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, हालांकि मैं इस सीट के ऊपर बैठा था और अच्छे खासे स्पेस के साथ बैठा था, और यहाँ पे इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। मेरी हाइट की बात करें, 5'9" मेरी हाइट है, और इस तरीके का कुछ दिखता है आपको, यहाँ पे लैंप मिल जाता है अगर आप कुछ न्यूज़पेपर वगैरह जो भी पढ़ना चाहें, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े शीशे हैं जिससे आपको क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, एक एयरी सी फील रहेगी, क्योंकि सारा बेज कलर ही यहाँ पे छत पे और यहाँ पे साइडों में आपको देखने के लिए मिलेगा, और विंडो एरिया भी बहुत बड़ा बड़ा भाई इसके अंदर, काफ़ी बड़ी विंडोज़ है, तो आपको एयरी फील इसके अंदर रहने वाला है। हालांकि सनरूफ वगैरह तो अभी तक मारुति की किसी गाड़ी में आती नहीं, आने वाली ब्रेजा के अंदर उम्मीद है कि उसमें आपको सनरूफ देखने के लिए मिलेगी, और लास्ट रो के अंदर भी आपको ग्रैब हैंडल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे दोनों साइड। लास्ट रो के अंदर तो इसमें दो ही जने बैठ पाएंगे, क्योंकि अगर तीन बैठ गए तो बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये वाला एरिया है ना ये ले लिया है,
यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया है, तो इतना एरिया यहाँ पे आ गया है और इतना एरिया आपको यहाँ पे भी आ गया है, इसलिए दो लोग यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे लास्ट रो के अंदर। हालांकि 10 जनों के लिए तो ये परफेक्ट है, और बाकी अपने इंडियंस तो भाई भेड़ बकरियों की तरह 10-10 चढ़ जाते हैं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है, ये वैसे ही दिख रहा है आपको, और ये सीट बेल्ट वगैरह अगर आप माउंट करना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि ये खटपट खटपट तरीके से ना बजे। ये वाली भी अगर मैं आपको डाल के दिखाऊँ तो इस तरीके से ये इसके अंदर फिट हो जाएगी, जिससे ये आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है। तो ये इसका भाई हो गया अपना सीटिंग स्पेस, अब इसको आगे की तरफ कर देते हैं, इस तरीके से आगे भी हो जाएगी। ये अच्छा कर दिया इन्होंने, हालांकि किया कैरेंस की तरह ये टंबल नहीं होती, वो तो बड़ी अच्छी तरीके से हो जाती है। तो अब भाई बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि CNG जो आएगी उसके बारे में भी हमें पता करना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हाँ सफिशियंट है, यहाँ पे आपको इतना सारा स्पेस और मिल जाता है यहाँ पे अगर आप उठाएंगे तो। अब इस तरीके से आप इसको निकाल भी सकते हैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ाने के लिए, ये हो गया भाई। और अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए हो और सामान ज़्यादा लोड करना हो तो आप इस तरीके से 50-50 स्प्लिट हो जाती है भाई ये वाली सीटें, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ाना हो भाई आपको तो ये वाली सीट्स भी आप आगे की तरफ फोल्ड कर पाएंगे। तो स्पेस वाइज तो इस गाड़ी में कोई ज़्यादा सी कमी आपको लगेगी नहीं, फुल स्पेस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। आगे भी ये हो जाती है इस तरीके से, आगे पीछे करनी हो तो ये अच्छी चीज़ है भाई, आपको सेकंड रो भी आगे पीछे हो जाती है और फोल्ड भी हो जाती है। तो अब इसके अंदर भाई बहुत ज़बरदस्त स्पेस हो गया, बेड वगैरह डालना हो, गद्दा उद्दा डालना हो, आपको एंजॉय करते हुए टूर जाना हो, पिकनिक मनानी हो, तो वो मस्त हो जाएगा काम। ये थी अपनी आज की वीडियो मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय गाइज़।